सारे दोस्तों कैसे हो आप लोग। बहुत ही जल्दी Redmi Note 13 Pro Plus को इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग करेंगे Redmi Note 13 Pro Plus की कैमरा टेस्ट। देखेंगे इस वीडियो में इस कैमरे की क्वालिटी कैसा होगा, वीडियो कैसे क्वालिटी का होगा और क्या क्या फीचर मिलेगा। और दोस्तों ये मोबाइल कैमरे के लिए ठीक ठाक है भी नहीं, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इसके कैमरे के बारे में बात करेंगे, इसके सभी फीचर की वीडियो ऑलरेडी मैंने कर दिया तो वो आप अगर चाहे तो देख सकते हो। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इसके कैमरे के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके रियर कैमरे पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का होगा और सेकेंडरी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिलेगा। वही बात करें फ्रंट की तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेन कैमरा की कुछ फोटो सैंपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 200 मेगापिक्सल से खींचा गया कुछ फोटो। तो यहाँ पे देख सकते हो फोटो क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पे आपको कोई भी अननेचुरल कलर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, नेचुरल कलर यहाँ पे एकदम रखा गया है, ठीक है। कलर बूस्ट एकदम भी नहीं हुआ, एकदम नेचुरल जैसा है वैसा ही फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और बात करें स्किन टोन की तो स्किन टोन भी आप देख सकते हो एकदम नेचुरल है। और दोस्तों इस कैमरे की जो नेचर की फोटो ना वो मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा, एकदम डीएसएलआर लाइक आपको फोटो क्वालिटी यहाँ पे निकल के देता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कलर बैकग्राउंड ब्लर सब कुछ एकदम परफेक्ट है और काफी प्यारा लग रहा है फोटो क्वालिटी। तो रेडमी की इस डिवाइस पे जो फोटो क्वालिटी है ना वो एकदम आईफोन या फिर सैमसंग की टक्कर देगा, काफी शानदार है। जैसे कि यहाँ पे सभी फोटो पे देख सकते हो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे जो कलर सेचुरेशन है और जो बैकग्राउंड बुक है ना वो मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगा, एकदम ठीक ठाक सब कुछ मेंटेन करके रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो। और सिर्फ फोटो ही नहीं वाइट एंगल फोटो भी यहाँ पे काफी शानदार आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डे लाइट पे भी काफी अच्छी अच्छी फोटो यहाँ पे निकल के दे रहा है ये मोबाइल। सिर्फ डे लाइट ही नहीं आपको नाइट पे भी काफी अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट कैमरा से खींची गई ये फोटो काफी शानदार है, यहाँ पे आपको स्किन टोन एकदम परफेक्ट देखने को मिलेगा लो लाइट पे भी। और दोस्तों जो मेन कैमरा है ना उससे भी काफी अच्छी क्वालिटी का फोटो यहाँ पे निकल के दे देता है। यहाँ पे देख सकते हो कलर को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है, काफी भी लाइट को बूस्ट नहीं किया है और जो कलर है ना वो एकदम निकल के आ रहा है, ऐसा फोटो यहाँ पे निकल के आया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाले 4x लूज लेस जूम, यहाँ पे आपकी जो जूम की बात भी फोटो क्वालिटी एकदम अच्छी रहने वाले। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 4x जूम की बात भी काफी शानदार क्वालिटी की फोटो आपको यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों आप बात कर लेते वीडियो के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप मेन कैमरा से 4K 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो, वहीं पे अल्ट्रा वाइड कैमरा से 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल जो वीडियो की क्वालिटी है ना वो भी काफी शानदार है, बुके भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ कैमरा फोटो और वीडियो की तो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ फ्रंट कैमरा की भी फोटो सैंपल को देख सकते हो, फ्रंट कैमरा की फोटो क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इस मोबाइल की फ्रंट और ये दोनों कैमरा की जो स्क्रीन टोन क्वालिटी है ना वो काफी अच्छे से मेंटेन कर रहा है, डे हो या नाइट दोनों कैमरा से आपको काफी शानदार क्वालिटी फोटो यहाँ पे निकल के दे रहा है। और दोस्तों बात करें मैक्रो कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा जिसकी फोटो क्वालिटी भी काफी शानदार है। यहाँ पे कुछ सैंपल को आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी अच्छा अच्छी फोटो निकल के दिया है मैक्रो कैमरा से। तो जो मैक्रो कैमरा है ना वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के फोटो यहाँ पे निकल के दे रहा है, लाइट को कलर को एकदम नॉर्मल रख के। और दोस्तों कैमरा की फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको सभी टाइप के फीचर मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हो पोर्ट्रेट, शॉर्ट मोड, स्लो मोशन या फिर टाइम लैप्स सब कुछ आपको मिल जाता है, नाइट मोड सभी फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, AI वाटरमार्क, पोर्ट्रेट, 4x जूम सभी फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो है इसकी सभी फीचर और फोटो क्वालिटी की सैंपल। तो आप बात करते हैं इसकी प्राइस कितना रहने वाले। तो दोस्तों ये इंडियन मार्केट पे 30,000 के अंदर लॉन्च होने वाले, जब इसकी प्राइस 28,000 हो सकते हैं। और बात करें लॉन्च डेट की तो दिसंबर की मिड या फिर एंड तक इंडियन मार्केट पे ये आ जाएगा। ऑलरेडी एक कोरियन मार्केट पे लॉन्च हो चुका है तो बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो और देखने के लिए।